हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं राजी एंड एंशिएंट एपिक। बेसिकली ये गेम बेस है एंशिएंट इंडिया पे, और यहाँ पे हमें जो ये लड़की दिखाई दे रही है इसका नाम है राजी। इसके भाई गोलू को एक बल्लासुर नाम का राक्षस उठा के ले गया था, तो राजी अभी उसे ढूंढने के लिए जा रही है, और इसे रास्ते में मदद कर रही है दुर्गा माता। दुर्गा माता ने दिया था इसे ये त्रिशूल, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और भगवान विष्णु ने इसे दिया था ये धनुष, जिसे कि राजी बहुत ही अच्छी तरह कैसे चला पा रही है। और यही अभी तक उसने बहुत सारे राक्षसों को मार दिया है, और भगवान विष्णु ने उसे और एक ढाल और तलवार दी थी। और अभी राजी बहुत ही अच्छी तरह से इसे प्रिपेयर हो चुकी है। अब तक राजी ने बहुत ही सारे असुरों को हरा दिया है, और अभी ये आ चुकी है इस रेगिस्तान में, तो इसे जल्दी से आगे बढ़ना होगा उसके भाई गोलू को ढूंढने के लिए। लेकिन यहाँ पे रास्ता कहाँ पे है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आगे। धीरे राजी, अरे पूरा का पूरा रेगिस्तान, और रेगिस्तान में एक महल बना हुआ है। पिछली बार बहुत ही हरियाली थी पिछले एपिसोड में जहाँ पे राजी थी वहाँ से, लेकिन यहाँ पर मिल गया रेगिस्तान शुरू हो गया। वो दूरी ओ पर, ये देखो हमें रास्ता भी यही मिल है चुका है अभी। दरवाजा। मुझे भरोसा है, मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं राजी, इन नहीं कर रहस्यवादियों जरूरत को है इनके चिंता। इरादे पता है। बेशक वे रास्ते में ही मिलेंगे, ओके देवभूमि के द्वार। तो यहाँ पर ऊपर जाके, ओ शायद से यहाँ पे बहुत ही अच्छा महल दिखाई दे रहा है यार। ये इतने बहुत अजीब है, इतने मैं बड़े यहाँ रेगिस्तान, पहले भी आ चुकी हूँ या शायद नहीं। ये कौन सी जगह है, ये इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। शायद राजी को कुछ याद आ रहा है थोड़ा सा, इसे जगह जानी पहचानी लग रही है। ओ यहाँ पे हमारे लिए आ चुका है एक पजल, और ये पजल शायद से हमें यहाँ से सॉल्व करना शुरू करना चाहिए। ये देखो यहाँ पे आग की लपटें उठ रही है ना, उसे कहाँ पे डालेंगे हम। हाँ ये यहाँ पे सेट हो गया, ये दूसरा वाला अभी हमें आसान हो जाएगा। ये यहाँ पे, और उसके पैर नीचे डालेंगे शायद हम, ओके, और फिर से नीचे उसके पैर। और यहाँ पे शायद से ये राजी, उसका भाई, उसके पिताजी, एक और ये आखिरी कोई आशीर्वाद साधु मेरे महात्मा दिखाई बच्चे, दे रही है। इससे पहले कि तुम युद्ध में अपने शत्रु का सामना करो, युद्ध में मेरी महारत है और अब तुम भी इससे अनजान नहीं हो। ओके तो ये काश रही मेरे शब्दों से राजी, तुम्हें राजी के मजबूती पिताजी और मिले, ये गोलू। वे तुम्हारा कवच बने और तुम्हें शक्ति दे। अरे नहीं, इधर गिर गई, बहुत बुरी तरह से गिरी राजी। धीरे धीरे जाओ राजी इस बार, ओके ये शायद इधर ही जाना होगा। ओके बराबर, यहाँ से सीधा नीचे आगे जाओ आगे, ओके यहाँ से यहाँ पर। और ये क्या काला धुआं निकल रहा है नीचे, पूरी तरह पूरा का पूरा काला धुआं क्यों निकल रहा है यार। अरे ये टेढ़ा हो रहा है शायद से, जल्दी से निकलना होगा। अरे नहीं, ओ ये नीचे गिर गई शायद से सीधी, तो अभी कहाँ पे जाना होगा। इतना बड़ा रेगिस्तान में कहाँ घूमेगी एक बेचारी लड़की, ये बेचारी नहीं है, इसने अभी तक इतने बड़े बड़े राक्षसों को हराया है। तो आपने नहीं देखा होगा तो पिछले एपिसोड में जाके आप देख सकते हो, इसने बहुत ही बड़े बड़े राक्षसों को हराया है अभी तक। तो चलो राजी जल्दी से, इधर ही जाना होगा शायद से, इधर ही रास्ता दिखाई दे रहा है थोड़ा सा। हाँ इधर ही जाना है हमें, पूरा रेगिस्तान में ये एक महल दिखाई दे रहा है। किसने बनाया होगा ये, थार का रेगिस्तान है ये, राजी ने कहा था पहले कि यहाँ थार का रेगिस्तान। अथाह ओ रेगिस्तान में एक सीढ़ियों वाला हो, यहाँ पे तो ये एक बहुत ही बढ़िया कुआ है भाई, है। क्या मैं ये गजब सुनकर दिखाई दे रहा है ये। एक शायद से यहाँ पे जाना है हमें इस सर्कल पे। ये मेरा अपना लगता है। मैं इस जगह पर अपना ही लग इस रहा है। समय बस इतना ही कर सकता हूँ। क्या करना है, धन्यवाद भगवान विष्णु, क्या करने वाले अभी आपने भगवान मुझे विष्णु। एक शक्तिशाली दिव्य शक्ति दी है। अरे बाबा, महाबालासुर कमजोर नहीं है, बस उम्मीद करते हैं कि ये काफी रहे। क्या काफी होने वाला है, क्या मिलने क्या वाला है हमें अभी। ओहो भगवान विष्णु कुछ ना कुछ पावर कर रहे हैं अभी, पर क्या दिया हमें भगवान विष्णु ने अभी। ओ कुछ तो दिया भगवान, अरे सुदर्शन चक्र दिया हमें भगवान विष्णु ने डायरेक्ट।
इसके अलावा तो हमें कुछ नहीं चाहिए अभी। सुदर्शन अरे चक्र है। इसे हम पकड़ नहीं सकते, लेकिन हमारे पीछे पीछे ही आ रहा है। इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता है? मुझ पर भगवान विष्णु की कृपा है। ओके। शत्रु जरूर इतने शक्तिशाली होंगे कि उन्होंने देवताओं को भी परेशान कर दिया है। अरे लेकिन मैं और क्या कर सकती हूँ? मुझे महाबलासुर को रोकना होगा। जरूर रोकेंगे हम उसे। चलो जल्दी जल्दी आगे। शक्ति का तभी पता चलता है जब सबसे ज्यादा डर लगता है। मैंने कभी उसकी हिम्मत पर शक नहीं किया। बराबर। लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो समय पर चक्र कैसे चलेगा। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है भाई। ये देखो, मतलब इसे हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है। वो सकते हैं अपने साथ ही रहेगा चक्र। अरे लेकिन इधर जाने के लिए जगह ही नहीं है। कहाँ से जाना होगा? हमें यहाँ से सीधा निकल जाते। अरे जाने, ओ ये रही यहाँ पे जगह, शायद से यहाँ से हम जा सकेंगे। अरे नहीं, इधर से भी नहीं जा पा रहे हम। किधर है रास्ता? किधर? इधर निकलने का। भगवान विष्णु ने इतना बड़ा सुदर्शन चक्र दे दिया, लेकिन अरे नहीं, इधर भी नहीं जा पा रहे हम। शायद से जिधर से आए थे उधर ही जाना चाहिए हमें। अरे क्या जंप मारी बाबा राजी। नहीं इधर ही जाना होगा ना, इधर तो जगह नहीं है। कहाँ पे जाएंगे? इधर इधर हो सकती है शायद से जगह। ओहो इधर जा तो सकते हैं हम, लेकिन कितना आगे जाएंगे ये भी नहीं पता हमें। ओह ये यहाँ पे रास्ता है शायद। ओह यही रास्ता है, यहाँ से हमें आगे जाना होगा। और हम शायद मेल से बाहर निकल चुके हैं अभी। और यहाँ पर तो ओहो हो क्या बड़े बड़े स्टैचू है यहाँ पे। उसने चक्र ऐसे पकड़ा है जैसे उसी के साथ पैदा हुई हो। ओके माँ दुर्गा तारीफ कर रही है। चुड़ा होता है। अगर आपका दिल साफ है तो ये देखो चक्र एकदम खतरनाक। अरे ओ भाई, अरे एक ही झटके में सबसे ज्यादा पावरफुल यही दिखाई दे रहा है यार। यहाँ पर भी एक ही झटके में इतनी जल्दी खत्म कर दिया यार इसने। अभी इधर जाना चाहिए शायद। अरे बहुत ही खतरनाक चक्र मिला है हमें। मुझे नहीं लगता कि इससे भी अभी ताकतवर हमें कुछ मिल सकता है। और यहाँ पर शायद से आगे कुछ रिंग की तरह बना हुआ है। ओह यहाँ पे आसुर आ गए, उन तक जाने की भी जरूरत नहीं है हमें अभी। इतना खतरनाक चक्र है हमारे पास की ये देखो, एक ही झटके में इतना टाइम कम लगता है अभी। नहीं तो पहले ढाल तलवार से बहुत ही ज्यादा उछलना पड़ता था राजी को। और यहाँ पे शायद से कोई दरवाजा दिखाई दे रहा है मुझे। क्या है यहाँ पे? चलो जल्दी राजी आगे। ओ ये देखो यहाँ पे आ गए, इनको तो इतनी आसानी से मार देंगे हम। ये देखो इधर, अरे ये तो ये निकल कहाँ से रहे? अरे इसके अंदर से निकल रहे थे शायद। वही सोच उस पर चक्र क्यों नहीं चल रहा था अभी तक गया। और बाकी है शायद से कोई एक इधर, हाँ ये रहा इधर एक ही झटके में दूर से। और बाकी है? नहीं हो गए तो अभी जल्दी जल्दी आगे चलो राजी। ये बहुत ही कमज़ोर लग रहे हैं मुझे अभी, ये जो राक्षस आ रहे हैं ना चक्र के सामने बहुत ही कमज़ोर है, नहीं तो पहले बहुत टाइम लग जाता था उनको हराने में। ओहो किधर जा रहे हैं हम अभी? उस दरवाजे से शायद से आगे ही जाना है हमें। अरे भाई क्या खतरनाक रास्ता दिखाई दे रहा है यहाँ पे। बहुत ही जल्दी जंप करो राजी, जंप। ओके और ये सीढ़ियाँ चढ़ के कहाँ जाने वाले हैं हम अभी? बहुत ही एक्साइटेड हो गए हम, ये तो आगे क्या होने वाला है ये सुन के। ओ कहाँ पे आ चुके हैं हम? आखिरकार राजी का सामना महाबलासुर से हुआ। ओ महाबलासुर तक आ चुके हैं हम अभी। उसने अपनी पूरी शक्ति दिखाई। क्या हमें अभी महाबलासुर से लड़ना है जो फाइनल उनका सबसे बड़ा आसुर है? उसे वो सब याद करना होगा। मतलब गोलू हमें अभी जल्दी मिल सकता है। हराने के लिए सीखा था। क्या सीख? हाँ मतलब अरे ये महाबलासुर शायद, अरे नहीं इसे तो एक ही चक्र में हम मार डालेंगे। अरे नहीं, अरे बहुत ताकतवर है। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है भाई, इससे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। और ये उसके अंदर से क्या निकल रहा है? महाबलासुर से लड़ना होगा जल्दी। अरे ये देखो इसे, एक दो तीन चार पाँच। अरे भाई बहुत ताकत है इसमें, ये बहुत ही ज्यादा चोट पहुंचा रहा है राजी को।
उठानी पड़ेगी। अरे नहीं 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 नहीं, मेरी शक्तियाँ देखी है। अरे ये तो उसके तो पास तक भी नहीं जा पा रहे हम, इतना ताकतवर है सच में ये माँ वाला सूट। अरे नहीं नहीं नहीं, चलो जल्दी। अरे ये उसके अंदर से क्या निकल रहा है भाई, मारो मारो इसे राज, मारो 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 इसे मारो। अरे उसकी शक्ति थोड़ी सी कम हो रही है शायद। अरे मारो मारो इसे, ओ ये किधर गायब हो गए। अरे नहीं 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 नहीं, बहुत ताकतवर है भाई ये। अरे नहीं नहीं नहीं, चक्र 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 चलाओ इस पे चक्र। अरे नहीं 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 नहीं, अरे इसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा गया गया गया, फिर से गया फिर से गया गया। और एक थोड़ी सी पावर बाकी है शायद इसके अभी, इसे चक्र मारते रहो दूर से ही। अरे नहीं अरे ये इसने तो बहुत ही ज़्यादा रूप ले लिया, अभी कितने को मारेंगे हम यहाँ पे राजी, कम ऑन राजी। अरे नहीं बस भाई बस, हमारी पावर अभी ख़त्म हो सकती है, मार दिया फिर भी अंदर से। अभी इसकी थोड़ी सी पावर बाकी, ये देखो यहाँ पे जो आपको नीचे डंडी दिख रही है, गया 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 गया, मर गया यहाँ पर, गया 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 गया। भागो भागो राजी, दूर भागो इससे, इसके पास मत जाना, गया गया। अरे नहीं अटक गया हम इसके पीछे के अंदर। अरे भाई क्या हो रहा है, तो पीछे से ओ गया, खत्म हो गया। अरे नहीं फिर से आ गया ये तो, ओ शायद से ख़त्म हो चुका है अभी। और नहीं ये क्या कर रहा है अभी, ओ अरे इसने तो बहुत ही ज़्यादा रूप ले लिया, कितने को मार सकते हैं हम। उसके शत्रु ने संख्या में खुद को कई गुना बढ़ा लिया, उसने सच में कई ज्यादा बढ़ा लिया। राजी सच्चाई देख नहीं सकी, ओके ये बस उसे भटकाने के लिए था, शायद अभी ये खत्म हो जाएगा गेम यहीं पे। भटका दिया उसने सच में, बहुत ही ज्यादा रूप ले लिए थे उसने। ये देखो भगवान गणेशा उसके पीछे ये, और दरवाजे पर खड़ा होकर मंत्र पढ़ने लगा, ओके। लेकिन क्यों इसने मंत्र क्यों पढ़ा सच में, ये गोलू यहाँ पे। और फिर किसी और ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, किसने, गोलू, गोलू ने मंत्र पढ़ना क्यों शुरू किया, गोलू के उसके साथ मिल चुका है क्या ये, यहाँ पे भगवान गणेश आए दरवाजे पे, दरवाजा अभी खुल चुका है और क्या होगा। लेकिन गोलू ने मंत्र क्यों पढ़ा सच में, हालांकि राजी तब भी लड़ी लेकिन देवों के स्वर्ग के द्वार खुल चुके थे, महाबलासुर की चाल कामयाब हो गई थी और गोलू उसकी चाबी था। ओ मतलब महाबलासुर को स्वर्ग के द्वार खोलने थे इसलिए वो उसने गोलू का इस्तेमाल किया, संकट आएगा, उसने गोलू का इस्तेमाल किया स्वर्ग के द्वार खोलने के लिए और वो अभी शायद से स्वर्ग में जा चुका है। फिर अभी क्या होगा, वो शायद से स्वर्ग में जाके अभी भगवानों के साथ भी लड़ने वाला है, लेकिन हम यहाँ पे अटक चुके हैं शायद रेगिस्तान में। और ये गोलू आ रहा है शायद से आगे, ये गोलू ही है शायद, दीदी दीदी चिल्ला रहा है वो। अरे इधर आ जाना भाई, देखो उसकी पगड़ी, आजा गोलू आजा, फाइनली हमें गोलू मिल चुका है इतनी मेहनत के बाद, इतना राक्षसों से लड़ते हुए राजी यहाँ तक पहुँची है। और शायद से माँ बल्लासुर को हराया नहीं है, वो स्वर्ग के द्वार से अंदर चला गया है अभी स्वर्ग में। चलो गोलू तो मिल चुका है हमें फाइनली, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। क्या भाग रहा है, देखो उसकी पगड़ी देखो एकदम बहुत हो क्या रहा है भाई, मिल गया शायद फाइनली, और गोलू हमें मिल गया। आखिरकार राजी की मेहनत हमें फल दी गई। और यहाँ पे गेम हो चुका है अभी खत्म, और यहाँ पे हमें गोलू तो फाइनली मिल गया, लेकिन बल्लासुर नाम का राक्षस था जो गोलू को लेके आया था, उसने गोलू का इस्तेमाल कर लिया स्वर्ग का दरवाजा खोलने के लिए, तो हमें गोलू तो मिल गया लेकिन अभी वो राक्षस चला गया है अभी स्वर्ग में। शायद इस गेम का पार्ट 2 भी ज़रूर आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हमारी पहली गेम प्ले सीरीज हमने ख़त्म कर दी है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट गेम प्ले के साथ। गुड बाय।